इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, प्रधानमंत्री मोदी समेत सरकार के आला मंत्री बैठक में शामिल। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सरकार हर मुद्दे पर नियम के मुताबिक चर्चा को तैयार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, किसानों के मुद्दे पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के फैसले को मानेंगे। सर्वदलीय बैठक के बाद एनडीए की भी बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सभी सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा में शामिल हों। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी सर्वदलीय बैठक की। कहा, कोरोना प्रोटोकॉल के साथ सदन चलेगा, नियम प्रक्रिया के तहत ही चर्चा होगी। सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्ष के नेताओं ने अलग से मीटिंग की, संसद में रणनीति को लेकर चर्चा। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान, किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस लोकसभा में काम रोको प्रस्ताव लाएगी। अकाली दल ने कहा, सदन तब तक चलेगा जब लोगों के मुद्दे हल होंगे। किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस वैक्सीनेशन और कोरोना का भी मुद्दा उठाएगी। शशि थरूर ने कहा, सरकार पूरी तरह से नाकाम। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, वेंकैया नायडू के सामने महंगाई, गरीबी और कोविड जैसे 16 मुद्दे रखे। दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर के पास किसान नेताओं के साथ बैठक की। किसान संसद से 200 मीटर दूर अपनी संसद चलाने पर अड़े हैं। किसानों को दूसरी जगह प्रदर्शन के लिए मनाने के लिए भी पुलिस जुटी है। 22 जुलाई से दिल्ली में संसद का घेराव करने का ऐलान। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने डीएमआरसी को भी चिट्ठी लिखी। 7 मेट्रो स्टेशन को जरूरत पड़ने पर बंद करने को भी कहा। अमरिंदर के समर्थन में आए कांग्रेस के 10 विधायक, कहा, कैप्टन पंजाब के सबसे बड़े नेता हैं, उन्हें निराश ना होने दें। विधायकों ने बयान जारी कर कहा, अमरिंदर की वजह से ही कांग्रेस को मिली पंजाब की सत्ता, कलह से पार्टी का ग्राफ नीचे गिरा। पंजाब कलह पर आज भी चर्चाओं का दौर रहा। दिल्ली में प्रताप सिंह बाजवा के घर पर पंजाब कांग्रेस के सांसदों की बैठक हुई। मीटिंग के बाद बोले प्रताप सिंह बाजवा, हाईकमान का फैसला हमें मंजूर होगा, सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पंजाब कांग्रेस में एक मीटिंग होगी। सुनील जाखड़ ने कल बुलाई कांग्रेस के विधायकों की भी बैठक। लुधियाना के खन्ना में नवजोत सिंह सिद्धू का जबरदस्त स्वागत, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात। सिद्धू की विधायकों के साथ मुलाकात का दौर जारी। 6 विधायकों के साथ एमएलए मदन लाल से मिलने उनके घर पहुंचे। नवजोत सिंह सिद्धू ने अब तक 30 विधायकों से मुलाकात की है। सिद्धू के मीडिया सेल ने तस्वीरें जारी की। अकाली सांसद हरसिमरत कौर का अमरिंदर सरकार पर हमला, कोरोना और किसान मुद्दों को छोड़कर कांग्रेस झगड़े में बिजी है। अगस्त से यूपी में डेरा डालेंगी प्रियंका, गांव गांव संगठन को मजबूत करेंगी। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, ट्वीट कर कहा, तुमने कुछ नहीं किया, बस रोज एक नया जुमला दिया। मायावती का ब्राह्मण कार्ड, 23 जुलाई को अयोध्या में बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन, कहा, यूपी में दुखी है ब्राह्मण। मायावती का मोदी सरकार पर हमला, कहा, केंद्र सरकार से जनता त्रस्त है, संसद में जनता के मुद्दे बीएसपी उठाएगी। मायावती ने कहा, सरकार किसानों की मांगों पर ध्यान दे, विपक्ष का एक होना समय की मांग है। दलितों के मुद्दे पर मायावती हमलावर, कहा, कांग्रेस बीजेपी दोनों ने दलितों का शोषण किया है। लखनऊ में आरएसएस बीजेपी की कोऑर्डिनेशन मीटिंग, यूपी में चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा। आरएसएस बीजेपी की बैठक में बूथ को मजबूत करने और सरकार से जनता की नाराजगी दूर करने पर चर्चा। आरएसएस के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल, करीब 8 घंटे मीटिंग चली। कर्नाटक में पूर्व सीएम सिद्धारमैया सोमवार को दिल्ली पहुंचेंगे, सोनिया गांधी से मुलाकात। मुंबई में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। उद्धव ठाकरे ने बीएमसी, पुलिस और दूसरे विभागों के साथ समीक्षा की। भारी बारिश के बाद मुंबई के चेंबूर में बड़ा हादसा, दीवार गिरने से 15 लोगों की मौत, कई घायल। मुंबई के विक्रोली में भी दर्दनाक हादसा, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग गिरने से 8 लोगों की मौत हुई। मुंबई हादसे पर प्रधानमंत्री ने भी शोक जताया। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान, घायलों को 50,000 भी दिए जाएंगे। मुंबई के शिवनी में भी हादसा हुआ, भारी बारिश से जमीन धंसने से गाड़ियां फंस गई। मुंबई के निचले इलाकों में जल भरा, हिंदमाता, सायन, किंग सर्कल जैसे इलाकों में पानी भरा। बारिश से मुंबई के नाला सुपारा में भी दुकान और मकाने डूबी नजर आई। फूल मंडी पूरी तरह से बर्बाद हुई। बीजेपी नेता किरीट सुमैया ने उद्धव सरकार और बीएमसी पर निशाना साधा, कहा, 25 साल में मुंबई को तुमने तुम्बई बना डाला। बीजेपी नेता आशीष शेलार की मांग, बीएमसी पूरी तरह से नाकाम है, उद्धव ठाकरे बीएमसी की जांच कराए। बीएमसी की मेयर किशोरी पिडनेकर की तबियत बिगड़ी, चेस्ट पेन के बाद अस्पताल में भर्ती। पुणे में भी लगातार भारी बारिश, मौसम विभाग ने कल भी बारिश का अलर्ट जारी किया। मुंबई में बाल बाल बच्चे एक बुजुर्ग रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान इंजन की चपेट में आए, ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर जान बचाई। पटना में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, विधानमंडल भवन में भी पानी घुसा। बिहार विधानमंडल भवन के आसपास इलाके दरिया में तब्दील, पानी में गाड़ियां रेंगती नजर आई। पटना सचिवालय, पुलिस स्टेशन में भी बारिश का पानी घुसा, कई फीट पानी में पुलिस की गाड़ियां भी डूबी। बारिश का पानी नालंदा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भी घुसा, मरीजों को भारी दिक्कत। गुजरात के वलसाड में जल भराव से लोग परेशान, कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुसा। दिल्ली में भी बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत, जल भराव से कई जगह ट्रैफिक जाम। हरिद्वार में नदी के बीच में फंसे 4 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया, एनएचएआई ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे।
जम्मू कश्मीर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, 25 जुलाई को लद्दाख का दौरा करेंगे। वेब पोर्टल न्यूज क्लिक पर बीजेपी का आरोप, साबित पात्रा ने कहा देश के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा। बीजेपी का आरोप, हवाला के जरिए पैसा, न्यूज क्लिक में किया गया निवेश, विदेश से 30 करोड़ फंड जुटाए। बीजेपी का दावा, न्यूज क्लिक अंतर्राष्ट्रीय टूल किट का हिस्सा, पोर्टल को अमेरिकी कंपनीज ने फंडिंग की है। विश्व हिंदू परिषद की बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक, धर्म परिवर्तन के खिलाफ केंद्र से कानून बनाने की मांग की। वीएचपी की अपील, मंदिरों का प्रबंधन सरकार के हाथ में ना हो, कानून बनाकर हमारे मंदिर वापस करें। चमोली में लोगों का प्रदर्शन, कहा रोड नहीं तो वोट नहीं, 9 साल से रोड का इंतजार। तेल और गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया, कोलकाता में घोड़ों से कार खिंचवाई। राजकोट के वीवीपी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने बनाए हाइब्रिड मोटरबाइक, पेट्रोल और बिजली दोनों से चल सकती है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, देशमुख के गाटोल निवास स्थान पर ईडी ने छापा मारा। देशमुख के पैतृक गांव वटबिहरा भी ईडी की टीम पहुंची, घर पर परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। दिल्ली पुलिस ने नंदू गैंग के दो बदमाशों को किया गिरफ्तार, कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। गाजियाबाद में यूपी पुलिस के साथ एनकाउंटर में बदमाश घायल, दूसरा फरार। असम के नौगांव में सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने जब्त किए गए नशीले पदार्थों पर बुलडोजर चलाया, कोलकाता पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया, 25.5 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन बरामद। वडोदरा में पेट्रोल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, ओएनजीसी की तेल पाइपलाइन में छेद कर तेल की चोरी करते थे। उड़ीसा एसटीएफ ने 2 क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में हथियार बरामद। रामेश्वरम में केंद्र सरकार के मरीना फिशरीज ड्राफ्ट बिल के खिलाफ मछुआरों का प्रदर्शन। देश भर में कोरोना के 41,157 नए मामले आए, 24 घंटे में 518 मरीजों की जान गई। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,956 नए केसेस, 13,500 से ज्यादा लोग रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,000 नए मामले, बीते 24 घंटे में 180 लोगों की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से एक की भी जान नहीं गई, 51 संक्रमित हुए। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 2,974 नए मामले, बीते 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,708 लोग संक्रमित हुए, करीब 2,500 रिकवर। तमिलनाडु में कोरोना के 2,079 नए केसेस, बीते 24 घंटे में 2,743 रिकवर। दिल्ली में भी कावड़ यात्रा पर लगी रोक, डीडीएमए ने फैसला लिया। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा की हाई लेवल मीटिंग, कोरोना के हालात पर चर्चा। कश्मीर के आईजी विजय कुमार की अपील, बकरीद पर लोग कोरोना के नियमों का सख्ती से करें पालन। दिल्ली के जनपद मार्केट में दुकानदारों की पहल, नियमों का पालन कराने के लिए मार्केट में सिविल डिफेंस के अलावा प्राइवेट गार्ड भी तैनात। दिल्ली के सरोजी नगर मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग की फिर धज्जियां उड़ी, दिल्ली सरकार ने मार्केट बंद करने का आदेश दिया। दिल्ली के दरियागंज सब्जी मंडी में खरीदारी के लिए भारी भीड़, कोविड नियमों का पालन करना लोग भूले। कुछ छूट के साथ हरियाणा सरकार ने 24 जुलाई तक प्रतिबंध बढ़ाया, 19 जुलाई से 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और बार खोलने का आदेश। मणिपुर में आज से 10 दिन के लिए लगाया गया पूर्ण लॉकडाउन, कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के खतरे को देखते हुए फैसला। कर्नाटक में जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू, 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल्स और थिएटर्स खुल सकेंगे। गोवा में 26 जुलाई की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया, धार्मिक स्थलों पर 15 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। भोपाल में एक बोट क्लब में मस्ती करने के लिए लोग पहुंचे, ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आए। टोक्यो में गर्मी बढ़ने पर ओलंपिक आयोजकों के खिलाड़ियों को सलाह, हमेशा साथ में पानी की बोतल रखें, मास्क भी जरूर पहने। अर्जेंटीना में विकलांग और इलाज करवा रहे बच्चों को फाइजर का टीका लगवाने की मांग, वैक्सीन नेटवर्क से जुड़े हैं 400 परिवार। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में दिखा डेजर्ट लुक, मंगलवार की आधी रात को समाप्त होगा लॉकडाउन। म्यांमार में ऑक्सीजन की कमी से लोग तोड़ रहे हैं दम, चैरिटी ग्रुप के लोग कर रहे हैं अंतिम संस्कार। हज के दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन, रोजाना 1500 लीटर इस्तेमाल हो रहा है सैनिटाइजर। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी का शव दिल्ली पहुंचा, अफगानिस्तान में कवरेज करने के दौरान तालिबान ने हत्या की थी। तालिबान की मदद के लिए अफगानिस्तान पहुंचे 10,000 पाकिस्तानी लड़ाके, आईएसआई ने भारत की मदद से बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का आदेश दिया। अफगानिस्तान के हालात पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का सवाल, अफगानिस्तान में भारतीय टैक्स पेयर्स का 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का क्या होगा। दोहा में अफगान सरकार और तालिबान के बीच शांति स्थापित करने को लेकर बातचीत हुई, एचसीएनआर के अध्यक्ष अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने ट्वीट कर जानकारी दी। दोहा में भारत के राजदूत से दीपक मित्तल से भी मिले अब्दुल्ला अब्दुल्ला, अफगान ने शांति बहाली के उपायों पर चर्चा। अमेरिका के मार्क लेवल में भीषण आग लगी, 82 स्क्वायर किलोमीटर में आग फैली। पश्चिमी यूरोप में बाढ़ से अब तक 180 लोगों की जान गई, नीदरलैंड में बाढ़ प्रभावितों को घर लौटने का आदेश। ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए मैरी कॉम, पीवी सिंधु समेत कई खिलाड़ी टोक्यो पहुंचे, 23 जुलाई से शुरू होगा खेल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।